भाई लोग नमस्कार प्रणाम, कैसे हो? और आप लोग बता दें, खेसारी लाल यादव जी ने फिर एक सिंगर का गाना चोरी कर लिए। दोस्तों, आप लोग खेसारी लाल यादव जी का सारे गांव भोजपुरी से गाना आ रहा है, जिस गाने का नाम है झागरा 2.0। जो गाना पहले भी चोरी किया गया था और फिर भी ये गाना चोरी कर दिया गया। दोस्तों, पता नहीं खेसारी लाल यादव जी को हो क्या गया है, ये नए नए सिंगर का गाना चोरी करते हैं और उठा उठा कर गाते रहते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में गोबर भरा गया है कि पता नहीं क्या हो गया है। देख रहे हैं, एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह है, वो कभी किसी गाना उठाते नहीं है, उठाते भी हैं तो वो लाइव आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव एक ऐसा सिंगर है जो गाना उठा लेते हैं और गा लेते हैं, उसके बाद सीना जोरी कर लेते हैं। और उनका तो एक बहुत ही बड़ा राइटर है, जो विवादित राइटर है, जिनको लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा से चिंता है, उसका नाम है अखिलेश कश्यप। वो तो सीधा कहते हैं कि भाई हम तो चोर राइटर हैं, हमको सब लोग चोर बोलता है तो हम चोर राइटर हैं, लेकिन हम चोरी नहीं करते हैं, उसका भविष्य बनाते हैं। ये सब सच बात है कि अखिलेश कश्यप जितने भी गाने उठाए हैं, वो सारे सिंगर लोग का आज थोड़ा सा लेवल आ गया है, मतलब लोग उसको पहचान रहे हैं खेसारी लाल यादव की वजह से, तो इसको चोरी नहीं कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें, ये गाना चोरी क्या है कि नहीं है, ये भी आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूँ। दोस्तों, झगड़ा करा दिलावर 2.0 गाना इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी लाल यादव जी का गाना डिलीट हो गया था, झागरा, जो कॉपीराइट क्लेम के स्ट्राइक वजह से गाना हटा दिया गया था यूट्यूब से, जिस कारण से सारे गवा का तो कोई बाल बाका भी नहीं करता कर सकता है, जिस कारण से खेसारी लाल यादव जी का गाने को फिर जाकर झागरा 2.0 पोस्टर का नाम या एल्बम का नाम रख कर उसको फिर रिलीज किया जा रहा है। उस गाने को नहीं सुनेंगे लेकिन दूसरे गाने को सुनेंगे, बस झगड़ा उसमें भी है। जो झगड़ा अभी बहुत ज़्यादा खेसारी लाल यादव जी के साथ चल रहा है, और उसी झगड़ा को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त झगड़ा लेकर आ रहे हैं नेहा राज के साथ, जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, जिसका टीजर आज 2 घंटे में 2 लाख गया। उसे पूरे चमचे हैं, जो लोग जो खेसारी लाल यादव के विरोधी हैं सब लोग को मोर्चा से भी टीका लगा है। दोस्तों, यही है खेसारी लाल यादव जी का पावर। और दोस्तों, जो चोरी वाला बात है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि भाई मैंने एक बात को आप लोग को समझाने के लिए इस बात का यूज किया, नहीं तो दोस्तों आप समझ नहीं पाते। देखिए दोस्तों, जितने भी छोटे सिंगर हैं उन लोगों का गाना अगर खेसारी लाल यादव गाते हैं तो उस लड़का का नाम थोड़ा पब्लिसिटी आ जाए, होता है थोड़ा सा विवाद, लेकिन उस लड़का का लोग 10-20 लोग जानने लगते हैं, नहीं तो उसका कोई नहीं जानते हैं। दोस्तों, झगड़ा गाना पहले वाला था वो भी आप लोग बता दें, एक सिंगर ना सिंगर रंजय लाल यादव नाम का सिंगर था, जिसका गाना खेसारी लाल यादव उठा कर गाते हैं, ये सब लोग बोलता है, लेकिन गाना ऐसा उठा कर नहीं गाया जाता है। कुछ वजह होता है, जब कलाकार को दब जाता है, उसका नाम निशान खत्म होने लगता है, तो वैसे कलाकार का सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े सिंगर लोग का राइटर जो होते हैं 2 लाइन 3 लाइन मैच करा लेते हैं, जिससे उस राइटर का लाइफ में थोड़ा सा प्रकाश आ जाता है, और फिर उससे वो सिंगर को छोटे बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं उसको बुला बुला कर अपने स्टूडियो से गाना गवाने लगते हैं, और फिर उस सिंगर का थोड़ा सा करियर में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, यही रीज़न है खेसारी लाल यादव गाना चोरी नहीं किए, और ये गाना बहुत ही अलग है, आप लोग सुनिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सारे गाँव भोजपुरी से कल इसका गाना आ रहा है, आप लोग अपना प्यार दुलार अपना भरपूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट समय तक, तब तक अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादा अश्लीलता को लेकर भोजपुरी में जितने भी जातिवाद गाना गाने वाले हैं सभी लोग रिलाई वाला काम करते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने गलती से हमारे वीडियो में गाली वाला कमेंट देता है तो सुनो, तुम बेटा जाओगे तो तुम्हारा बहुत अच्छे से पिटाई करेंगे, ये फिक्स है। और गाली देते हो तो तुम जिस तरह से तुम गाली दोगे उससे हम 2 गुना गाली देंगे, और तुम्हारा जब अपने वीडियो में पब्लिक करेंगे नाम तो समझ जाना तुम्हारा क्या इज्जत होगा। इसलिए गलती से भी हमारे वीडियो में कमेंट में गाली गलौज का बात भी ना करना ना सोचना, नहीं तो हम बहुत अच्छे किस्म के आदमी हैं, लोगों को अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से सब कुछ बताते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।